बदलाव यात्रा चल रही है, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? सर पड़ेगा, क्यों नहीं होगा, पब्लिक को जागरूकता होगा, देखेगा आम आदमी पार्टी आ रहे हैं। किस तरीके से क्या दिखता है आपको, जिस तरीके से यात्राएं निकल रही हैं, चाहे कांग्रेस की चाहे फिर आम आदमी पार्टी की, कितना असर जो है वो आने वाले? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा सर, एक लोगों का दिमाग चेंज होता है इससे। इतनी सारी वो कर रहे हैं, ये रैली निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, कुछ परसेंट लोगों में तो आएगा दिमाग में कि हाँ जी केजरीवाल भी है, इनकी भी सरकार आनी चाहिए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। पूरा असर है जी, अब बताओ पूरा बदलाव होगा। हाँ जी पूरा बदलाव होगा। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है। खुद डॉक्टर सुशील गुप्ता जो है वो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के यहाँ पे पहुंचे और उसका शुरुआत करी। अभी समय हम खड़े हुए ओल्ड के पास, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी यात्रा का जो है वो दूसरा पड़ाव जो है वो आज यहाँ से शुरू होगा। और आप देख सकते हैं कि काफी उत्साह जो है वो कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं उन लोगों के बीच में आपको दिखाई देगा। और लगातार लोग जो है वो इस यात्रा में जो है वो बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, हाथों में जो है वो आम आदमी पार्टी के झंडे लिए हुए लोग दिखाई देंगे आपको कहीं ना कहीं। और इसी तरीके से जो है वो बदस्तूर लगातार जो है वो ये यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है। पूरी बात करी जाए तो 90 की 90 विधानसभाओं में जो है वो इस यात्रा का जो है वो आज से आगाज होना है। और इसके बावजूद जो है वो इसी तरीके से जो है वो यात्रा चलेगी। आप देख सकते हैं कि बकायदा जो है वो ड्यूटियां लगाई गई हैं कार्यकर्ताओं की, जो कि इस यात्रा को जो है वो जिनकी देखरेख में इस यात्रा की शुरुआत होगी, यात्रा चलेगी। तो लगातार जो है वो इसी तरीके से जो है वो एक के बाद एक आगे की ओर जो है वो यात्राएं बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। और लगातार जो है वो इसी की तरीके से सिलसिलेवार जो है वो हर विधानसभा से होती हुई जो है वो गुजरेगी। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं आज यात्रा का शुभारंभ हुआ है, डॉक्टर सुशील गुप्ता पहुंचे थे, किस तरीके की यात्रा रहेगी थोड़ा सा बताइए। ऐसा है, हम लोग हरियाणा के अंदर केजरीवाल जी की गारंटियां लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए पहुंचे और अब परिवर्तन की लहर हरियाणा में आनी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने वाली है, उसी का ये एक हल्का सा रूट मैप है। आज फरीदाबाद एंड बड़कल विधानसभा के अंदर सुबह थी रोड शो, अब शाम को ओल्ड की विधानसभा में है। इसके बाद मुझे सर में एक रागनी का कार्यक्रम है, कल तेगांव में रहेगा और कल ही परतले में भी रहने वाला है। तो सभी विधानसभाओं से होकर के हमारी ये बदलाव यात्रा निकलेगी। यात्रा का नाम आप लोगों ने दिया है बदलाव यात्रा, कितना बदलाव हो पाएगा इस? मैं ये कह रहा हूँ बदलाव होगा 90 की 90 विधानसभा सीटों पे। जहाँ जहाँ जिस तरह के कुशासन का सरकार चल रही है ना, उस सबको उखाड़ करके बदलने का विचार लोगों ने बना लिया है और उसी दिशा में उन लोगों के विचार को मजबूत करने के लिए हमारी पार्टी ये बदलाव यात्रा लेकर के चली है। बदलाव यात्रा की जो है वो ये लोग बात कह रहे हैं और कि बदलाव होगा, लेकिन किस तरीके का बदलाव होगा हम आम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं एक बार। क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुमार। बदलाव यात्रा चल रही है, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? सर पड़ेगा, क्यों नहीं होगा, पब्लिक को जागरूकता होगा, देखेगा आम आदमी पार्टी आ रहे हैं तो देख देख करके उनसे लगेगा। कार्यकर्ता हो? नहीं सर, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं वैसे देखा हूँ तो आम आदमी पार्टी का कुछ ढोल वगैरह बज रहे तो इसी चक्कर में मैं भी रुक गया, मैं भी देखने लग गया। इससे क्या होता, पब्लिक का जागरूकता होता, जो आम आदमी पार्टी भी है, जैसे अभी बीजेपी है, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो आएंगे तो देखेंगे। तो ये बात है सर। और लोग खड़े हैं हमारे पास साथ, एक बार हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कितना प्रभाव जो है वो ये लोग देखते हैं इस यात्रा से, जो है वो कितना असर जो है वो इस यात्रा से दिखाई देगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज गुप्ता है जी। गुप्ता जी, किस तरीके से जो यात्रा निकल रही है इसका कुछ प्रभाव दिख रहा है आपको, कुछ असर पड़ेगा आने वाले समय में? मुझे तो नहीं लगता सर जी। अच्छा, आपको नहीं लगता, आप लोगों को क्या लगता है, कुछ प्रभाव आएगा? नहीं आएगा। तो लगातार सभी पार्टियां निकाल रही हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर जाए, चाहे फिर आम आदमी पार्टी की बात कर जाए, या फिर अभय चौटाला की, तो इस तरीके की यात्राओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ता आप लोग? नहीं, जो मेहनत करेगा, देखो आदमी के बीच में जाएगा, कुछ अच्छा लगेगा, कैंडिडेट कैसा है, तो जो फर्क भी पड़ेगा। अब देखो कि क्या होता है आगे, अभी तो टाइम बहुत है, अक्टूबर में इलेक्शन आने हैं। हालांकि देखिए जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि वो तो आने वाला समय ही जो है वो तय करेगा। कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या नाम भी आपका? मेरा नाम मोनू। मोनू, यात्रा निकल रही है, कुछ असर? पूरा असर है जी, अब कहता हूँ पूरा बदलाव होगा जी। बदलाव यात्रा रखी है उन्होंने? हाँ जी पूरा बदलाव होगा जी।
पूरा बदलाव है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जो है वो इस पार्टी के ने जो है वो ये बदलाव यात्रा का जो है वो आरंभ किया है, बदलाव यात्रा की जो शुरुआत करी है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो देख सकते हैं कि आप ये बदलाव यात्रा जो है वो पूरे हरियाणा में जो है वो 90 की 90 विधानसभाओं में जो है वो इसी तरीके से जाएगी और इसी तरीके से आगे की ओर जो है वो हर विधानसभा वाइज चलेंगी। कुछ और हम दुकानदारों से जानने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये दुकानदार जो है वो ना ही तो इसमें कार्यकर्ता है ना ही इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये लोगों का क्या मंथन है, क्या विचार है? क्या नाम भी आपका? अरुण कुमार जी। किस तरीके से क्या दिखता है आपको जिस तरीके से यात्राएं निकल रही हैं, चाहे कांग्रेस की चाहे फिर आम आदमी पार्टी की, कितना असर जो है वो आने वाले समय में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा सर। हाँ, एक लोगों का दिमाग चेंज होता है इससे। इतनी सारी वो कर रहे हैं, ये रैली निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, कुछ परसेंट लोगों में तो आएगा दिमाग में कि हाँ जी केजरीवाल भी है, इनकी भी सरकार आनी चाहिए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। अच्छा, पंजाब में है इनकी सरकार, दिल्ली में भी है इनकी सरकार, तो क्या लगता है आपको, अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे? हाँ, काम तो सही कर रहे हैं, ये तो नहीं कह सकते कि नहीं कर रहे हैं, बाकी ठीक है, अपना अच्छा काम हो रहा है, अच्छे काम के लिए ही जनता बैठी हुई है, अच्छा काम होगा तो आगे भी अच्छा ही होगा, अच्छा ही करेंगे। हाँ हाँ, सही बात कह रहे हैं। आपका क्या नाम? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, सॉलिड हम पहले से ही। आप जिस भी पार्टी के साथ हो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन इस तरीके के जो ये यात्राएं निकलती हैं, इससे क्या लोगों का माइंड चेंज होता है? नहीं होता, कुछ चेंज नहीं होता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लोग डिसीजन अपना ले लेते हैं। स्टॉक जो अपना डिसीजन ले लिया होता है वो डिसीजन फाइनल होता है। ठीक बात कह रहे हैं, इनका बात कहने का सही है तात्पर्य। आपका क्या कहना है भाई? सर हम तो कुछ नहीं कह रहे। इसकी वोट ही नहीं बनी है, तो इस तरीके से जो है वो अलग अलग लोगों का जो है वो अलग अलग विचार है, अलग अलग कहना है। लोगों का साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की यात्राओं से जो है वो कहीं ना कहीं मिला जुला असर जो है वो देखने को मिलेगा। कुछ लोग जो है वो माइंड चेंज होता है लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का जो है वो माइंड पहले से ही उन लोगों ने फाइनल किया होता है, निर्धारित किया होता है कि जो उन लोगों को किस पार्टी और किस उम्मीदवार को जो है वो वोट देना। लेकिन फिलहाल बात कर जाए तो इस तरीके की यात्रा जो है वो आम आदमी पार्टी की लगातार 90 की 90 विधानसभाओं में जो है वो होकर के गुजरेगी, और कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो है वो बदलाव यात्रा का इस यात्रा को नाम दिया है, और इनका मानना है कि हरियाणा के अंदर भी ये यात्रा जो है वो बदलाव लेकर आएगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि इस यात्रा से कितना बदलाव हरियाणा में आम आदमी पार्टी को आता है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।